इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति का वास है। इस ब्रह्मांड में शक्ति है जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा लगातार बहती है, इस सबको कनेक्ट करती है, सबको जोड़ती है, यह बॉन्ड बनाती है, बाइंडिंग एनर्जी है। यानी कि यह शक्ति दो चीज़ों को आपस में जोड़कर रखती हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी आपस में एक शक्ति के कारण, एक आकर्षण के कारण शून्य में ठहरे हुए हैं। अगर वह शक्ति ना हो तो शून्य में पृथ्वी कैसे टिक पाएगी? तो शून्य में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी एटम्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो सभी टिके हुए हैं शक्ति के कारण। यह शक्ति जोड़ती है, यह शक्ति ताकत देती है। इसी शक्ति के प्रभाव से सारी क्रियाएं होती हैं। यह शक्ति है, इसी के कारण हम श्वास ले पाते हैं, हमारे हृदय धड़कता है, हम बोलते हैं, हमारे हाथों का हिलना, पलकों का झपकना, ये सब कुछ उसी शक्ति के कारण है। ये शक्ति सब चीज़ें चलाएगी और हमें पता भी नहीं होता। तो उस शक्ति को, उस सात्विक शक्तियों को अपने भीतर खींचना, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेना, इससे हमारे रोम रोम में जो निराशा है, जो दुख है, जो तनाव है, वो आपके दूर होने लग जाते हैं। वो शक्ति परम सात्विक है। उस शक्ति के आने से हमारे अंदर की तकलीफें दूर होती हैं, हमारे अंदर नवीनता आती है, फ्रेशनेस आती है। जैसे छोटे से बच्चे को आप देखेंगे, हर समय मुस्कुराता हुआ प्यारा सा बच्चा, जिसकी आंखों में इतनी इनोसेंस होती है, चेहरे पर इतना प्रेम होता है, आपका मन करता है बच्चे के पास बैठने का। किसी का भी छोटा बच्चा हो तो मन करता है आप उसे गोद में ले लें, थोड़ी देर के लिए प्यार करें, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई रुकावट नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई गांठ नहीं है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रति खुला हुआ है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके अंदर से बहती है, उसके सभी चक्रों से बहती है। बच्चे के अंदर नवीनता दिखती है, जैसे सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तो नवीनता होती है, फ्रेशनेस होती है। तो साधक जब साधना करते हैं, ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, तो उनके अंदर भी वही नवीनता आनी शुरू होती है, वही फ्रेशनेस आती है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक होना आरंभ करते हैं। वे अपने आप को बांधते नहीं हैं, वे अपनी ऑरा को, अपने आभामंडल को सिकोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको फैला देते हैं। इसलिए कोई भी संत कहीं पर आता है, कोई योगी आता है, तो उसके आने से आसपास का जो भी वातावरण है उसमें शुभता आती है, वह शुभ होता है, क्योंकि साधना का प्रभाव पड़ता है स्थान पर, व्यक्तियों पर, उसका आभामंडल फैला होता है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों का कल्याण होता है। तो जब कोई साधक साधना करता है तो उसका आभामंडल भी पूरी तरह से प्यूरिफाई होना शुरू होता है, उसमें शुद्धता आती है। तो ऐसा साधक जब साधना करता है अपने घर में, तो साधना करने से उसके घर में समृद्धि आनी शुरू होती है। यदि आप एक स्थान पर बैठकर ओमकार का उच्चारण करते जाएं, ओम का जाप ही करते जाएं, ओम 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 ओम, इस तरह से नाभि केंद्र से ऊपर सहस्रार तक गूंज उठती जाए आपकी, और वर्षों तक आप साधना करते हैं, तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई रोग, कोई क्लेश, कोई दुख, कोई चिंता नहीं आती, और कुछ आएगा भी तो बाहर से ही निकल जाता है। कोई भी संकट आएगा तो घर के लोग अपने आप ही उस संकट का मुकाबला कर पाते हैं। उनके लिए मुसीबतें कोई ऐसी नहीं होती कि पहाड़ की तरह हैं और आप उसके नीचे दब गए, वह एक खेल की तरह हो जाती हैं, जिसका वह सामना आसानी से करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए।
तो यह जो शक्ति होती है साधक के अंदर, वह आती है साधना के द्वारा। जब आप अपने आप को ओपन करते हैं, अपनी एनर्जीज को ओपन करते हैं, साधना करते हुए अपने अंदर महसूस करते हैं कि प्योरिफिकेशन हो रही है, ऊर्जा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक बह रही है, ब्रह्मांड आपका साथ देता है। यह ब्रह्मांड हर व्यक्ति के साथ कनेक्टेड है। आप जाने या ना जाने, आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जैसे कोई एक लहर चलती है, तो ऐसे ही वह लहर में आप भी हैं, उसका छोटा सा हिस्सा हैं। आप भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जो हम सांस लेते हैं, जो वायु आती है, वह कहीं किसी दूर देश में किसी व्यक्ति को छूते हुए, पेड़ पौधों को छूते हुए, किसी पशु के अंदर जाते हुए, किसी फूल को छूते हुए, किसी बादल से गुजरते हुए हमारे शरीर के भीतर आती है। वायु का एक कण भी सिर्फ आपके अंदर जाकर अटकता नहीं, आपके अंदर जाकर फिर वापस बाहर की तरफ बहता हुआ दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है। ऐसे ही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जो फैली है, वह सभी चांद सितारों को छूते हुए, ग्रह नक्षत्रों को छूते हुए, पशु पक्षियों को छूते हुए, सभी आत्माओं को छूते हुए आपकी तरफ भी आती है, आपके अंदर से भी बहती है। जो अपने अंदर नेगेटिविटी को डालता है, ईर्ष्या में, वासना में, लालच में, अहंकार में फंस जाता है, वह ऊर्जा को ठीक से बहने नहीं देता। उस व्यक्ति के साथ फिर समस्याएं आनी शुरू होती हैं। जैसे ही अहंकार हटा, विनम्रता आई, जब हमने अपनी नॉलेज का जो बर्डन रखा हुआ है सर पे, उसको जब हम उठाकर साइड पे रखते हैं और एक बच्चे की भांति इनोसेंट होकर पवित्र ऊर्जाओं को ग्रहण करना शुरू करते हैं, तब वह ऊर्जा हमारा कल्याण करना शुरू करती है। ध्यान की ऊर्जा आपको पावरफुल बनाएगी, आपके अंदर सिक्योरिटी पैदा करती है, आपके अंदर शांति लेकर आती है, आपको पवित्र करती है, आपके भयों को दूर करती है। क्योंकि भय बहुत गहरे में आपके अंदर है, उस भय से भी मुक्त होना है, उस भय से मुक्त करेगी। आपके अंदर प्रेम को जागृत करते हुए समस्त प्राणी मात्र से आपको कनेक्ट करना शुरू करती है। भाव शुद्धि होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके हम उस परम आनंद, उस परम शिव तक पहुँचते हैं। तो उस शिव तक पहुँचने के लिए, उस परम आनंद से पहुँचने के लिए, वहाँ पर आत्मा का मिलन हो पाए, इसके लिए अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर नकारात्मकता है, उससे आपको दूर होना है।